हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उत्तराखंड से अब आ गए हैं ऋषिकेश, और यहाँ पर वैष्णो स्नान करके रेडी हो चुके हैं, और यहाँ से फिर चलेंगे हरिद्वार, और वहाँ पर फिर वहाँ पर रुकेंगे और देखेंगे। अभी सबको यहाँ पर ऋषिकेश में हैं और स्नान कर रहे हैं, सारे यहाँ पर अभी है स्नान कर रहे। ये सारे यहाँ स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर बोटिंग भी होता है, वो देख रहे हो, बोटिंग आ रहा है वहाँ पर। यहाँ से नीचे लेके जाएगा बोटिंग से, इसके बाद फिर ऊपर से वो घुमा के लेके आता है। यहाँ के पत्थरों की नज़ारा बहुत ही अच्छी है, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी पत्थर है मत पूछिए। देख सकते हैं ये ऋषिकेश की अद्भुत नज़ारा है भाई। अभी फिलहाल दीपावली है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला बंद है। यदि कोई आना चाहता है तो फिलहाल लक्ष्मण झूला बंद है। लक्ष्मण झूला का अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें कुछ काम चल रहा है। यहाँ एक से एक पत्थर है, देख सकते हैं, एकदम ऐसी ऐसी पत्थर है, पूरा गोल देखने लायक है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी पानी थोड़ा कम है, इसलिए सारे पत्थर ही दिख रहा है। देखते हैं अब, यहाँ तो सारे दोस्त थक के एकदम चूर चूर हो गए हैं केदारनाथ घूम के। फिर यहाँ रुक के सारे गंगा जी में स्नान किए हैं, और स्नान करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ बोटिंग हो रहा है, देख, ये यहाँ बोटिंग भी होता है, बोटिंग हो रहा है। ये पीछे दोनों रेस लगा रहा है, लेकिन वो आगे वाला पीछे हो गया, ये आगे चले जा रहा है। ये यहाँ पर टिकट बुक करना पड़ता है, उसके बाद ये नीचे तक लेके जाएगा। देख सकते हैं ये भाई, ये बहुत मज़ा आएगा, बोटिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं इसका टिकट कहाँ से मिलता है। ये तो ऊपर से आ रहा है, हम लोग नीचे हैं, काउंटर किधर है पता करना पड़ेगा। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. अभी सब कोई फोटो शूट करने में लगा हुआ है, सब एक से एक फोटो शूट कर रहा है। मैंने तो फोटो शूट कर लिया, अब राज किशोर करेगा, ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, उसके बाद फिर जाएगा। अभी राज किशोर ब्लॉगिंग कर रहा है, वो अपना करेगा। अभी तो बहुत टाइम लगेगा जाना, हमें लगा था कि जल्दी पहुंच जाएंगे, पर जल्दी नहीं पहुंचेंगे, अभी टाइम लगेगा। यमुना बोल रहा है कि मेरा फोटो लो, मेरा फोटो लो। हाँ क्या हुआ, अब बोलो। ये इसका भी फोटो बचा हुआ है, बोल रहे कौन सा पोज में फोटो खिंचाए, कौन सा पोज में फोटो खिंचाए, हम लोग से पूछ रहा है। कुछ बोलना है यमुना, बोलो। यमुना यात्रा का जल्दी आ, यमुना अपनी यात्रा का अनुभव बताने वाला है कि केदारनाथ का यात्रा कैसा रहा। हाँ यमुना आप बोलो, केदारनाथ का यात्रा कैसा रहा। हम लोग केदारनाथ घूमने गए थे, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ घूमने गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत पहाड़ी इलाका था, लगता था कि अब महादेव वहीं पे मिलेगा, और तो दर्शन हुआ, दर्शन कर लिए। बहुत चढ़ाई था पहाड़ी इलाका, चढ़ते चढ़ते 6 घंटा लगा चढ़ने, कम से कम 6-7 घंटा लग गया चढ़ने में। और वहाँ से चढ़ने के बाद घूमते घूमते केदारनाथ मंदिर दर्शन किए। मंदिर दर्शन करने के बाद उधर से आए, फिर ऋषिकेश में अभी ठहरे हुए हैं, थोड़ा गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं,
और यहाँ का पानी बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। पहाड़ी इलाका से पानी निकल रहा है और इधर ना तो यहाँ पर स्नान किया। हाँ यहाँ स्नान भी किए, इधर ना भी चल रहा है और दोस्त सब आए हुए हैं हमारे इधर, वो पीछे दिख रहा है सब। हाँ हम लोग चार पांच लड़का आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा घूमने में। तो यहाँ के बाद कहाँ जाने वाला है? अब यहाँ से निकलेंगे हरिद्वार की ओर जाते हुए निकलेंगे अब। चलिए ठीक है, देखिए वहाँ पर एक आदमी तपस्या कर रहा है, बहुत देर हो गया तपस्या में लगा हुआ है नहा धोके। हो गया कम से कम 15-20 मिनट तक तपस्या में लगा हुआ है, साधना कर रहा है। नहा धोके जब नहाना स्टार्ट किए थे और वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं किया, तो उससे पहले से ही ये साधना में बैठा हुआ है, अभी तक बैठा ही हुआ है। देखते हैं कब तक बैठता है। अब सब जाने लगे घर, चल ओ। बहुत ही पत्थर है, सावधानी पूर्वक चलना पड़ रहा है। कमल तो गया आगे, सबसे आगे चला गया है, हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इधर। बहुत ही पत्थर है ना, तो रहे यार ना होता मरी आधे पोखते हो रहे ऊपर। हाँ मेरे पास आ रहे एक आधो थी लेग भी तो उठा ले रे, कहाँ रखल यो मना एक आधो थी पथल दे गोल गोल लेग भी। अरे तू लेग भी तो लेग न रही चुन चुन के दे तो क्या। अच्छा हिंदी बोल दू बोरा अपना भाषा आ जाएगा, खट्टा भाषा आ जाएगा तो क्या होगा। ये एकदम पूरा गोल गोल है, पूरा गोल गोल है। ना कर ले रही मार घुराई कैसे करके हम ले ले केकरा दी है। बहुत मस्त फोटो है यार, देख राज किशोर कहते अच्छा एकदम मस्त आओ एकदम बहुत मस्त है। चल वो सब है तुम बोटिंग का 650 रुपये ले रहा है और 5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं उसमें। अब ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर जाते हुए ऋषिकेश का मार्केट, दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ पर पुराने पुराने सिक्कों का दुकान है जो नदी में मिला है, बहुत ही पुराने पुराने सिक्के हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराने पुराने सिक्के मिल रहे हैं। एक सिक्के का दाम 500-600 बता रहा है, जो हम लोग पहले घर में मिलता है लेकिन हम लोग फेंक देते हैं, वो सब सिक्के का भी यहाँ बिक्री होता है, बेचता है। हमारे पुरखों के जमाने का सिक्के मिलते हैं यहाँ। हम लोग हरिद्वार आ गए हैं, हरिद्वार में थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद हरिद्वार में कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, प्रसादी वरसादी ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे स्टेशन। गंगा नदी यहाँ पर है, जाते हैं थोड़ा गंगा नदी में दर्शन करते हैं और गंगा जल भी घर लेके जाना है तो वहाँ से उठाते हैं और जाते हैं। ऐसे तो हम लोग ऋषिकेश में नहा लिए हैं तो यहाँ से सिर्फ गंगा जल लेंगे और फिर वापस स्टेशन जाएंगे, एक एक करके लेंगे, देखते हैं किस में लिया जाए।
डब्बा तो है नहीं, डब्बा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे डब्बे का दुकान है, इधर माला मिल रहा है, यहाँ डब्बे की दुकान है, यहाँ डब्बा लेंगे और उसमें गंगा जल डाल के लेके जाएंगे। ले दो बोले दो दे दो। रेलवे स्टेशन पहुँच गया, यहाँ से ट्रेन लेंगे और जाएंगे नोएडा। गाड़ी संख्या 1-4-8-8-7 ऋषिकेश। हरिद्वार स्टेशन का जिस तरह नाम है वैसा ही दृश्य भी है, हरि का द्वार। ऐसा लगता है कि सचमुच हम लोग हरि का द्वार में आ गए हैं। मंदिर से निकलते ही भगवान विष्णु का और शिव भगवान का प्रतिमा है, जिससे नाम से ही पता चलता है कि हरि का द्वार। स्टेशन परिसर में चारों तरफ बहुत ही अच्छी अच्छी आकृतियां हैं। यह स्टेशन के परिसर के बाहर कुछ इस तरह से मूर्तियां बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। Living life every day, late at night, not okay, all I want.